कांग्रेस युवराज की रैली में कार्यकर्ताओं ने दिखाया दमखम, वहीं बीजेपी वालों ने हर हर मोदी का लगाया नारा। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत वाराणसी के गुलगड्डा क्षेत्र से शुरू हुई, जिसका समापन गदोलिया क्षेत्र में हुआ। इस दौरान रोड शो में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और काशी की जनता जनार्दन शामिल रही। राहुल गांधी ने गदोलिया पहुँच कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के पश्चात जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यह देश मोहब्बत का देश है, नफरतों का नहीं। वहीं राहुल गांधी की इस काशी यात्रा के दौरान जयदेश न्यूज से कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बात करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें एक सज्जन ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी के राज में देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट कर दिया है। तो वहीं दूसरे कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि मोदी तो दिन भर में 4 से 5 बार सूट बदलते हैं। यही नहीं, वहीं बीजेपी वालों ने भी हर हर मोदी के लगाए नारे। देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं जयदेश, और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता। और आपको पता होगा कि आज उत्तर प्रदेश में पप्पू का भी फोन कराया, पदयात्रा किया गया है। अभी फिलहाल वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद आगे प्रस्थान किए हैं, और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। मैं दिलीप चौबे, अध्यक्ष किसान कांग्रेस कमेटी वाराणसी। आज जो राहुल गांधी की पदयात्रा है, इससे आम जनता को क्या क्या लाभ मिलेगा? राहुल गांधी जो आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के न्याय के लिए, नौजवानों के न्याय के लिए, किसानों के न्याय के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, 5 न्याय के लिए वो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हैं। और इससे सीधे यह जनता में संदेश जा रहा है कि जो बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी केवल भारत में राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं। आने वाले 2024 में निश्चित तौर से राहुल गांधी के नेतृत्व में और गठबंधन के नेतृत्व में भारत में गठबंधन की सरकार बनेगी। देखा जाए उत्तर प्रदेश में बनारस में लोकसभा चुनाव में 2004 के बाद से कांग्रेस का और से फायदा होगा, जो वो मुहिम लेके चल रहे हैं जी। नफरत जी। छोड़ो मोहब्बत जोड़ो जी। का नारा जो दे के वो भारत में पदयात्रा निकाले हैं, निश्चित तौर से बनारस में उसका लाभ मिलेगा। आने वाले समय में बनारस में जो आज आपने देखा है, पीली कोठी से लेके पूरे शहर में जी। आम जनमानस जी। कांग्रेस के लोग जो सड़क पे उतरे हैं, इससे लग रहा है कि राहुल गांधी ही एक ऐसे शख्स हैं विरोधी दल के जो मोदी से आंख में आंख मिला के क्वेश्चन कर रहे हैं, और कोई दूसरा नहीं कर रहा है। अच्छा, देखा जाए तो एक तरफ भारत में राहुल गांधी का पदयात्रा और दूसरे तरफ सिंधु बॉर्डर पे किसानों का मांग है अपनी, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, किसानों के हक के लिए राहुल गांधी जो पदयात्रा निकाले हैं, जो किसानों का हक मारा जा रहा है उसी के लिए लड़ाई हो रही है। बताइए, एक तरफ आप पूरे देश में विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा है, और वहाँ सिंधु बॉर्डर पे किसानों के लिए किल ठोकी जा रही है, ये कहाँ का न्याय है? विपक्षियों का और कुछ जनता का भी कहना है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो किसानों को भड़का रहे हैं, आंदोलन करने के लिए उनको भड़का रहे हैं कि आप आंदोलन करिए, क्या ये कहाँ तक सही है? देखिए, हम किस कई दिन तक उनको हम भड़काएंगे? किसी को एक बार उकसाया जाता है, लेकिन जब अति हो जाती है, किसान अपने आप आ रहे हैं, उतनी भीड़ जो है आप देख रहे हैं उस बॉर्डर पे, कितना लोगों को उकसाया जा रहा है। यह झूठी अफवाह है, केवल एक प्रचार किया जा रहा है कि किसानों को कांग्रेस उकसा रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। किसान परेशान है, इसलिए वो सड़क पे उतरे हैं। क्रिया जयदेश, आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश से बनारस में राहुल गांधी का पदयात्रा प्रारंभ किया गया है, और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? उत्तर प्रदेश का विकास हो और क्या चाहिए? आज राहुल गांधी का बनारस में पदयात्रा है, उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? सारे लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता को समझा रहे हैं जी। जनता जिस मुद्दे को समझेगी उसे वोट देगी जी। ये जो राहुल गांधी अपना पदयात्रा कर रहे हैं, उधर किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? किसान आंदोलन अपनी जगह पर है जी, वो सलट लेंगे मोदी जी। मैदू जी के आगे अभी ये मैच्योर्ड कम है, यह मोदी जी ज्यादा मैच्योर्ड आदमी हैं, देश के लिए ज्यादा सोच रहे हैं जी, और उनकी दूरदर्शिता जो है जी, देश को आगे ले जाएगी। पप्पू है जी। ये पप्पू है, ये देश देख रहा है जी। कौन परिवर्तन कर रहा है, कौन जाग रहा है, ये रामलला बेटे है, विराजमान हुए है, ऐसा नहीं है पूरा। आपकी बार 400 बार है, आपकी बार 400 बार है, और मोदी जी है तो मुमकिन है।
इस बार क्या लगता है कि आपको बनारस में इस बार क्या लगता है 400 रुपए किलो पारा लहसुन बहुत इन्हें डर का माहौल है, डर का माहौल है। कांग्रेस से खाते सील कर दिए, कांग्रेस से खाते सील कर दिए, डरे हुए डरे हुए। अच्छा इस बार क्या लगता है, 10 साल में हजारों बार बनारस में बड़ा होगा, बहुत बड़ा। ये मोदी 1 लाख वोटों से हारेगा, चोर है मोदी, देखो आया चोर देगा, चोर आया मोदी। बनारस की सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट कर रहा है। आपको देखना हो तो राजनारायण पार्क में बेनिया में जाके देखे कि राजनारायण के मूर्ति का क्या हाल है। आपको देखना है पत्रकार है तो लाल बहादुर शास्त्री के मकान को जाके देखिए, खपड़े में पूरा दीमक चाट रहा है। आपको देखना है तो मुंशी प्रेमचंद जी के विरासत को जाके देखिए, उनके मकान में दीमक चाट रहा है। ये है मोदी का विकास। और मोदी के राज में बनारस के अंदर जितना अधिक भ्रष्टाचार है, 8 चौराहे के लिए 84 करोड़ 63 लाख रुपया स्वीकृत हुआ, वो 84 करोड़ 63 लाख में 8 चौराहा आज तक नहीं बना। केवल एक लहुरावीर का बना है, न भडागिन बना, न गोदौलिया बना, न सोनारपुरा बना। अरे आप जैसे पत्रकार भी क्या कहे आप लोगों को, आप लोगों को नहीं नहीं आप कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप कह सकते हैं। ओ जी पत्रकारिता करिए, जाइए लाल बहादुर शास्त्री के मकान को देखिए, जाइए राजनारायण जी के पार्क को देखिए। अभी 31 दिसंबर को हम लोगों ने आवाज उठाया राजनारायण पार्क के सवाल पर जी, और लाल बहादुर शास्त्री उसके बाद आप कुछ कह रहे थे। मोदी के सूटकेस भी देख लो, और क्या करेगा, मोदी के सूटकेस भी देख लो, सूट बूट भी देख लो, दिन में 4-4 5-5 जोड़ी जोड़ी कपड़े बदलता है, भगवान भी नहीं बदलते इतने कपड़े जितने लोगों बदल रहा। अब खोजिए पत्रकारिता आप लोग करिए, तब देश बचेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 400 पार की बात करें, लहसुन है 400 पार, गलत फहमी में है, इन्हें गलत फहमी है, दिल्ली में गलत फहमी। आप कुछ कहना चाहते हैं, उधर लोग कह रहे हैं कि 400 पार लहसुन। देखिए ऐसा है सर, लहसुन 400 पार हो जाए या 4000 पार हो जाए या 4 करोड़ पार हो जाए, सवाल ये है कि आर्थिक नीति जो लूट की बनी हुई है, जो नरेंद्र मोदी जिसके सिपे सालार बने हुए हैं, वो कहां पर जाएगा। धर्म में लिपटी वतन परस्ती क्या क्या स्वांग रचाएगी, और जर्मन गैस के दो से पूछो नींद तुम्हें कब आएगी। ठीक है तो पूरे देश से लदकर आएंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाएंगे। ठीक है, ले लिया किसानों ने अंगड़ाई भी जी, किसानों ने ले लिया है अंगड़ाई, आगे और लड़ाई या मोती घर जाई। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यकर्ताओं में काफी उत्सुकता दिख रही है राहुल गांधी के आने के बाद। हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान किसने बनाया, हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान। साथियों एक बात स्पष्ट सुन लिए, ये लड़ाई हैव और हैव नॉट्स की है, ये लड़ाई आर्थिक असमानता के विरुद्ध है, ये लड़ाई बहन बेटियों की इज्जत के लिए है, ये लड़ाई गरीब गुरबा किसान नौजवान के लिए है। ये 5 किलो राशन पर चलने वाला हिंदुस्तान नहीं है, और जो ये बांट रहे हैं वो भारतीय खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम UPA 2 की सरकार ने दिया है 2013 में। इन्होंने दिया क्या है, ये किसी योग्य नहीं है, इनको खारिज कीजिए, खारिज कीजिए। अगर आप हिंदुस्तान को जिताना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार को खारिज कीजिए, नेस्तनाबूद कर दीजिए ऐसी हुकूमतों को, जो हुकूमतें हमारे लिए जीना नहीं जानती हैं, जो हमारे लिए सांस गए आज अगर खामोश रह गए, बस्ती जलकर खाक हुई, रूहें आवाज लगाएंगी, सारी औलादें कायर थी और आने वाली नस्लें भी हम पर अफसोस जताएंगी, तो अफसोस न होने पाए, इसलिए हक है जनता को बगावत का, हर हर महादेव, जय सियाराम। जरा अपने बाप दादा को देखा है ये लोग कभी, हम कहते हैं ये लोग जो राम का नाम जो बदनाम कर रहा है, चंद लोग झंडा ढोने का काम जो कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है वो लोग हम लोग तो देख रहे हैं। जो आज जो यहाँ काशी में और अयोध्या में जो काम किया हुआ, आज 70 साल में हुआ है क्या जो काम ये लोग, अच्छा क्या लगता है इस काम से फिर भाजपा सरकार आएगी, एकदम 100% आएगी। और राहुल गांधी की जो पदयात्रा है, राहुल गांधी की जो पदयात्रा वो कर रहे हैं, वो सब बेकार है, सब गोइठा में घी सुखाने वाला काम है, उससे कुछ होने का नहीं है, इतना दिन से कुछ किया था वो। और देखिए हमारे साथ चाची जुड़ी हैं, बता रही उतना दिन से किया नहीं था, मोदी सरकार सब कुछ किया जाके अयोध्या हम लोग घूम के आए, विश्वनाथ मंदिर का देखिए क्या स्थिति है, घूम रहे हैं इतना एकदम आराम से, कोई तक परेशानी भी नहीं है। बहुत सुविधा था। आप कहाँ से आई हैं? हम झारखंड से आए हुए। और देखिए ये लोग झारखंड से आए हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, और ये लोग अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। आप भी कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि कोई भी नेता आएगा यहाँ पे बार मोदी सरकार, एक तरफ राहुल गांधी की पदयात्रा और दूसरे तरफ यहाँ पे जय जिया, जय जिया।
नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं जयदेश, और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे कुछ लोग जिनसे हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश गुप्ता है, हम झारखंड से आए हैं, टाटा नगर से जी। और यहाँ पर राहुल गांधी जी का जो रैली निकला हुआ है, ये बेकार का रैली है, इससे कुछ होना जाना ना। हमारे मोदी साहब ही इस बार भी आएंगे और बड़ी बहुमत से आएंगे, भारी बहुमत से आएंगे, मोदी जी का हम लोग फुल बहुमत रहेगा अब की बार मोदी सरकार। अभी आप बनारस में हैं, बनारस के विकास को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बनारस के पहले जो था और अभी बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जो पहले था, जो इतना तकलीफ होता था हम लोग मंदिर घूमने में, अभी वो सब कुछ भी नहीं है। और सचमुच में अयोध्या, अभी हम अयोध्या से घूम के आ रहे हैं, जो वहाँ अयोध्या का जो वहाँ पर जो व्यवस्था किया गया है, हम कहते सही में एकदम राम राज्य आ गया। वहाँ पर कोई भी आदमी भूखा नहीं है, कोई भी आदमी जितना फ्री खाना फ्री खाइए, कोई तक तकलीफ नहीं है, हर चीज़ का व्यवस्था है। मैंने इतना सुंदर व्यवस्था किया हुआ है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतना सुंदर किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।